हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं कैट मशीन 320 डी पे। ये स्लो चल रही थी, हमें वही देखना है कि चल क्यों रही है। तो हम सबसे पहले इसका आरपीएम देखेंगे। तो हमने डिस्प्ले पे आरपीएम देखा तो इसका डीएसआई आ रहा है, मतलब डिस्प्ले पे सेटिंग करनी पड़ेगी ईसीओ से। तो हमें वो तो हमें इंजीनियर ही करेगा। तो हम अभी जाते हैं पंप की सोलेनोइड पे। पहले हाइड्रोलिक हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसमें जो आप स्क्रू देख रहे हैं अंदर नट के अंदर 13 नंबर, ये देखिए ये स्क्रू, उसको टाइट कर दीजिए, हाइड्रोलिक डायरेक्ट हो जाएगा, मशीन चालू हो जाएगी। थैंक यू।